23 पार्षदों का इस्तीफा लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 19 अक्टूबर देर रात उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके बाद से ही कांग्रेस में बगावत होने लगी है। बुरहानपुर विधानसभा से कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से ही कांग्रेस में शेरा का विरोध शुरू हो गया है। हरिपुरा पर्षद डी अब्दुल अंसारी के निवास पर 300 से ज्यादा कांग्रेसी अल्पसंख्यक नेताओं ने मिलकर विरोध किया। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का पुतला फूंका गया। इसके बाद सुरेंद्र सिंह शेरा के विरोध के चलते कांग्रेस में दो धड़ बन गए हैं, जिसमें एक गुट आतिशबाजी करता है तो दूसरा गुट कांग्रेस के इस फैसले का विरोध कर रहा है। कांग्रेस के दूसरे गुट ने सार्वजनिक रूप से शौकत मैदान में जमा होकर टिकट वितरण का विरोध किया। साथ ही नगर निगम के 23 कांग्रेस पार्षदों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को सौंपा गया है। नवनिर्वाचित सभी पार्षद साथियों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से जो इस्तीफे की बात की है, हम हाईकमान से निवेदन करेंगे कि वो इन हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जो है बुरहानपुर में, इनकी बात को सुन ले और जो न्यायोचित बात है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देता रहा है और इसी को लेकर विरोध है। वहीं पार्षदों का कहना है कि शेरा ने कभी भी कांग्रेस के झंडे तले चुनाव नहीं लड़ा है, फिर भी उन्हें टिकट देना ठीक नहीं है। बुरहानपुर में 48 वार्ड हैं, 48 पार्षद हैं, जिसमें से 23 पार्षद कांग्रेस के थे। 23 के 23 कांग्रेसी पार्षदों ने इस्तीफा इसलिए दिया कि वर्तमान विधानसभा के अंदर जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो आज तक कांग्रेस का सदस्य नहीं है। वो निर्दलीय विधायक के रूप में जीते, निर्दलीय विधायक के रूप में कभी उन्होंने कांग्रेस के झंडे से यहाँ काम नहीं किया, शहर के अंदर कोई काम नहीं किए, पार्षदों के कोई काम नहीं किए, उसके साथ साथ पार्षदों के साथ मिलकर कभी कांग्रेस को मजबूत बनाने का कभी कोई कार्य नहीं किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्षदों ने यहां तक कह दिया कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो अभी ये 23 इस्तीफे केवल झांकी है, अभी तो और इस्तीफे आने बाकी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी हाईकमान हो, उन्होंने गलत निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति का नाम सर्वे में नहीं था, जिस व्यक्ति का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, जो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य का सदस्य भी नहीं है, उसको अगर टिकट दिया गया है तो उसमें पूरा शहर के लोग यहाँ खिलाफ में है, आम जनता खिलाफ में है, कांग्रेस जन खिलाफ में, इसलिए इस्तीफों की यहाँ पर झड़ी लगी है। आज पहला दिन है, आप देखेंगे रोज यहाँ पर ढेरों से इस्तीफे आपको कांग्रेसियों के मिलेंगे। सुरेंद्र सिंह शेरा ने टिकट मिलने के लिए कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद जताया और कहा कि बुरहानपुर में जो उनके खिलाफ विरोध हो रहा है वो इस विरोध को मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोगों को अपना परिवार मान के चलते हैं।